महात्मा गांधी ने लिखा है अपनी ऑटोबायोग्राफी में, मैंने पढ़ी है, ऐसा नहीं मैंने कहीं सुना है, मैंने पढ़ी है। उन्होंने लिखा कि वल्लभ भाई पटेल, उनके बड़े भाई विठल भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, ये ऐसे वकील हैं कि जिनको एविडेंस एक्ट के 167 सेक्शन एज इट इज याद है, कहीं से कभी भी पूछो। उन्होंने लिखा ये बात। मैं सोचता क्यों इतने बड़े हैं ये, बोले लोके ये पोर्शन उनको एज इट इज याद है, लेकिन उन्हें तो कोई एग्जाम नहीं देनी होगी उस समय, उस समय के सबसे बड़े वकील थे, उनके बारे में महात्मा गांधी ने लिखा। और यह भी लिखा सीपीसी बहुत खराब सब्जेक्ट है, मैं तो एक बार पढ़ता हूं और दूसरी बार भूल जाता हूं, हो सकता है मेरे जैसा टीचर उन्हें नहीं मिला हो, महात्मा गांधी को भी याद करा देता है तो मेरे जैसा टीचर होता। सीपीसी टफ नहीं है, वो एक अलग बात है, उन्होंने लिखा उन्हें टफ लगी होगी, टफ नहीं है। और आप जो याद नहीं कर पाते हो, आज किसी ने एक मैसेज डाला सुबह, सर जेएलओ की वैकेंसी आ गई। मैंने कहा हां मुझे पता है जेएलओ की वैकेंसी आ गई है, सर दो दो बार मेन दे लिया, दो दो बार मेन एग्जाम दे लिया, पास नहीं हो रहे, इस बार तो बता दो कैसे पास, पास होने का मूल मंत्र बता दो, फेल होने के मूल मंत्र तो बहुत सा, फेल होने के बहुत कारण है, लेकिन पास होने का एक कारण बता दो, कैसे पास होंगे। मैंने उसको मैसेज लिखा कि आप बिल्कुल उल्टा कह रही हो, असफलता का केवल और केवल एक ही कारण है, दूसरा कोई कारण ही नहीं है, और सफलता का भी, लेट आओ तो क्लास में मत आना, आओ क्लास में मत आना कल से, असफलता का भी और सफलता का भी एक ही तरीका है, एक ही कारण है, कोचिंग के बिना काम चल सकता है, बिना कोचिंग के कोई आदमी पास हो सकता है, लेकिन उसके पास कम से कम एक चीज होनी चाहिए, और वो चीज है ये नहीं है तो कोई नहीं बना सकता किसी को, ये नहीं है तो कोई नहीं बना सकता, और यही आपके अंदर कमी है, इस वजह से आपसे याद नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इसी की कमी है, दूसरी की कोई कमी नहीं है। आपको लगता है कि आप में बड़ी ऊर्जा है, ऊर्जा होती ना तो ये खटखट तीन सेक्शन शानदार तरीके से याद हो रहे होते, आप 25-25 बार पढ़ रहे होते, आप बहुत जल्दी थक जाते हो, आपका मन थक जाता है, इसके पीछे ही यही है कि आप में ऊर्जा की कमी है, इसके बिना तो कोई किसी को नहीं बना सकता। मैं हमेशा कहता हूं कि जो लोग बीमार हैं उनकी बीमारी का कारण यह है कि उनमें ऊर्जा का अभाव है, उनमें ऊर्जा का अभाव है, ऊर्जा से लबालब व्यक्ति के पास रोग फड़कता नहीं है। आपको लंबी क्लास होती है, वो लड़कियां आ जाई नहीं है, थोड़ी सी मैं खड़े खड़े पढ़ाता हूं ना, लंबी क्लास होती है तो वो सर कल पढ़ा देना, वो बीमार है। कैसे हैं? बीमार। बीमार का मतलब ये है कि जिसमें ऊर्जा का अभाव है, ऊर्जा की कमी है, जिस लेवल की ऊर्जा हो उस लेवल की ऊर्जा नहीं है, नहीं है तो ऊर्जा पैदा करो, ऊर्जा खरीदो, नहीं तो इसके बिना तो मैं कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो जुडिशियल अफसर बना दे। क्यों? क्योंकि इसमें तो
आप क्या समझ रहे हो, 40,000+ बैठेंगे, तो मैं जेएलओ की बात कर रहा हूं, कितने? और 140 होने हैं। ये 140 कौन से हैं? जो चोटी के 140 हैं वो लेने हैं, बाकी तो जाओ नीचे। आप वहां कैसे पहुंचोगे? सबसे पहले आप ऊर्जा से लबालब होने चाहिए। अब मान लो हमारे पास बहुत अच्छी ऊर्जा है, लेकिन हमारे पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, तो आपके पास एक शानदार कोच होना चाहिए। आप खिलाड़ी हैं उसके, उस खेल के खिलाड़ी हैं, और आपको दिशा देने के लिए क्या होना चाहिए? एक शानदार कोच। कोच ऐसा ना हो जो लुंज पुंज हो। जब खुद में ऊर्जा नहीं कोच में, तो अपने विद्यार्थी को कैसे ऊर्जावान करेगा, अपने खिलाड़ियों को कैसे आगे ले जाएगा? क्यों? क्योंकि सही मार्गदर्शन, ये मार्गदर्शन ही करेगा कि ऐसे करो। मेन काम क्या है इसका? कैसे करना है, कैसे करना है। ऊर्जा तो आपकी ही काम आनी है, ऊर्जा कोच की काम नहीं आएगी। खेल आपको खेलना है, खिलाड़ी आप हैं, वो सिर्फ कोच है। कोच का मतलब इस खेल को ऐसे नहीं, ये दांव पे चलिए, ऐसे चलिए। आप देखते हो ना, कई बार प्रकृति से सीखो। आप देखते हो कि पेड़ पौधे जो स्वस्थ हैं उन पर बढ़िया सुंदर फूल खिल रहा होगा, सुंदर फल आ रहे होंगे, और जो अस्वस्थ हैं, जो मरे से हैं, उनमें मरा सा फूल आ रहा होगा या फूल नहीं आ रहा होगा। है क्या? सिर्फ और सिर्फ उस पौधे की एक एनर्जी है। मेरे इतने सालों के अनुभव में कोई ऊर्जा विहीन व्यक्ति पास नहीं हुआ। मेरे इस 200 स्टूडेंट जुडिशियल अफसर हैं, उनमें कोई ऐसा नहीं है जो ऊर्जा विहीन था और वो पास हो गया हो। ये मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं। आप चोटी के 140 में आना चाहते हैं, तो आपके पास शानदार ऊर्जा होनी चाहिए और शानदार कोच आपने चुन रखा है। मरियल कोच आपको कुछ नहीं कराएगा। कभी कभी मरियल कोच के जो रिजल्ट्स आ जाते हैं वो अपने आप आते हैं। ऊर्जावान बच्चे वहां पर भी चले जाते हैं, तो वहां पर भी पास हो सकते हैं, लेकिन वो ऊर्जावान थे, वो अपने बल पे पास हुए। ठीक है ना? तो इस एग्जाम के लिए अगले 100 दिन का आप प्लान बनाइए, 100 डेज का। 100 डेज प्लान होना चाहिए आपके पास। 100 डेज में से 100 डेज 1 घंटे करीब 60 मिनट की शानदार एक्सरसाइज आपकी होनी चाहिए, जिसमें आप खूब पसीने पसीने हो जाओ। अब आप सोचोगे इस पसीने पसीने होने से हमारे सफलता असफलता का क्या कारण है? जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो हमारी प्रत्येक सेल को यह पता लगती है कि ऊर्जा, अब ये थक गया, अब और ऊर्जा की जरूरत है, तो वो और ऊर्जा बना देती है। और सेल्स का ही तो समूह है, पूरा पूरा शरीर सेल्स का ही तो समूह है, और हर सेल में एक पावर हाउस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा का पावर हाउस है वो, उसमें ऊर्जा बनती है। इस तरह पूरे शरीर में ऊर्जा बनती है। आप खराब भोजन खाकर भी
आप शानदार ऊर्जावान हो सकते हो, रोजाना वो बादाम खाने वाला फेल हो जाएगा, आप पास हो जाएंगे। बादाम में ऊर्जा नहीं है। जब आप शानदार एक्सरसाइज कर रहे हो, पसीने पसीने अपने आप को कर लिया आपने, फिर रिलैक्स, फिर आप खूब ऊर्जावान होगे, गहरी नींद आएगी, ज्यादा याद होगा, मन ज्यादा लगेगा। अभी तो आपको पता है क्या, थोड़ी देर बैठते हो तो आपके पैर कभी इधर हिलते हैं, कभी यूं करते हो, कभी यूं करते हो, मूवमेंट करता रहता है शरीर। और आप थक जाते हो, थकने के बाद फिर सोचते हो चलो लेट के पढ़ लेते हैं यार। लेट के पढ़ने वालों का नहीं होता, उनमें दम नहीं है, वो अपना मन समझा रहे हैं, वो बेड में पढ़ेंगे। थोड़ी देर पढ़ेंगे, फिर किसी से बात करेंगे, थोड़ी देर पढ़ेंगे, फिर वो चाय मांगेंगे। अरे काम कुछ किया नहीं, कभी चाय पीते हो, कभी कुछ खाते हो, कभी बातें करते हो, कभी डिस्कशन की बात करते हो, तुम्हारा आउटपुट कुछ है नहीं, आउटपुट भी तो होना चाहिए। तो 100 दिन तक 1 घंटा निकालो, शाम का निकाल लो, सुबह जरूरी नहीं है, सुबह उससे कोई मतलब नहीं है कि कब तक निकाल ले, जब आपका मन करे तब निकाल ले। ऊर्जा से लबालब रहो, लुंज पुंज मत रहो, लुंज पुंज व्यक्ति का कुछ होना नहीं है। और फिर आपको याद होगा, 100 दिन की तपस्या तो करके देखो। मैंने आपको कभी बताया था, मैंने एक बार टारगेट बैच चलाया था। टारगेट बैच में मैंने क्या किया, तब मैंने इंस्टीट्यूट शुरू ही किया था, ये बात 2010-11 की है, और तब 2008 में शुरू हुआ, 2010-11 की बात है। तब स्टूडेंट मेरे पास बहुत कम होते थे, तो मैंने एक अखबार में ऐड दिया और 60 ही स्टूडेंट लेंगे, और हर स्टूडेंट से मैंने 1 लाख रुपए लिया। कितना? 1 लाख, और 60 ही स्टूडेंट, और उनको ये प्रॉमिस की पास हो गए तो ये पैसा हमारा, फेल हो गए तो ये पैसा आपका। एक अलमीरा लाया लोहे की खरीद के, उसमें गड्डी बनाई, और सबके 1-1 लाख रुपए, 60 लाख रुपए उसमें ताला लगा के रख दिया। अब जब खोलेंगे, जब रिजल्ट आएगा। अब ये था कि भाई आपको मेरी माननी है 100%, अपनी कुछ नहीं चलानी, और ये सुबह समय है और शाम को रात को जाना है। सुबह से शाम तक ना आप जाएंगे ना मैं जाऊंगा, खाने की व्यवस्था आप अपनी करेंगे, टिफिन अपना लाएंगे। ये करके हमने शुरू कर दिया, शुरू कर दिया। अब आप सोचोगे कुछ 60 थे, 60 में से 53 लोगों का इंटरव्यू कॉल हो गया। ये मेरे लिए भी आश्चर्यजनक था, मतलब ऊर्जा क्या काम कर सकती है। 60 थे, कितने लोगों का? 53 लोगों का। अब 53 लोगों का जब इंटरव्यू कॉल हो गया तो मैं बहुत खुश, और मेरे बड़े अभाव का समय था, तो मैंने कहा चलो 53 लाख सही, 7 लाख रुपए वो जो थे उन सबको वापस दे दिए। जब वापस दे दिए, अब मैंने कहा अभी लक्ष्य नहीं मिला है, लक्ष्य मिलने तक कंटिन्यू रहना है। दूसरे दिन से 53 लोग ये भूल भाल के, अब क्योंकि जो सर ने कहा है वही गाइडेंस में रहना है, तो दूसरे दिन से फिर शुरू हो गए। शुरू हो गए तो मेहनत करते रहे। तब मेरे पास इतने संसाधन नहीं थे, संसाधनों का बहुत अभाव था। मेरे पास एक गिफ्टेड मोबाइल था, किसी स्टूडेंट ने गिफ्ट किया था, सबसे अच्छा मोबाइल था वो मोबाइल। मैं कलर्ड था, ऐसे मोबाइल नहीं आते थे, कलर्ड था और कीपैड वाला था नीचे, और वो रिकॉर्ड भी करता था।
तो ये इसी कुर्सियां तभी की हैं, इन्हीं कुर्सियों में से एक कुर्सी ऐसे रख लेते थे और ऐसे ही स्टूडेंट 53 स्टूडेंट सामने बैठ जाया करते थे, मैं सामने होता था और हम उसकी इंटरव्यू की तैयारी कराते थे और मेरे पास वही मोबाइल होता था और मैं उस पर रिकॉर्ड करता था, भाई आपका इंटरव्यू हम रिकॉर्ड करेंगे और फिर इसी में देखेंगे मोबाइल पे कि कैसा बोला क्या है। तो मैं वहां बैठता सामने और क्वेश्चन मैं करता दो तीन, और फिर मैंने सबसे कह रखा था एक एक क्वेश्चन सबको बना के लाना है, तो सारे लोग एक एक क्वेश्चन पूछते थे जैसे मानो कि वो इंटरव्यू बोर्ड के सदस्य हों, और वो सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे और उन क्वेश्चंस के वो जवाब देता, जवाब देता। यही तैयारी का तरीका था, यही तैयारी का तरीका चल रहा था। पता है क्या हुआ, इसमें से 37 फाइनली सेलेक्ट हो गए। कितने? 37 लोग फाइनली सेलेक्ट हो गए, बाकी के पैसे सबको वापस दे दिए गए, दे दिए गए। तो अखबार में एक एड फिर हमने दिया और उस एड में दिया कि हमारे नोट से यहां से यहां से यहां से क्वेश्चन आए हैं, ये इस नंबर का क्वेश्चन यहां से आया, इस नंबर का क्वेश्चन हमारे नोट्स में यहां आए, यहां जैसे कोई डायरेक्ट में कहे कि कहां कहां से आया। तो जो फेल हो गए थे बहुत सारे लोग, जो हमारे लोग नहीं थे, हमारे मेरे से नहीं पढ़े थे बेचारों की, उनकी भी स्वाभाविक कारण था, उन्हें लगता था यार इतने इसके यहां से कैसे पास हो गए। उन्होंने एक जोधपुर में रिट पेश की हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में रिट पेश की कैसे ऐसे, तो जज साहब भी चौंके, बोले देखो साहब ये ऐसे ऐसे और ये कुछ ना कुछ घपला हुआ है। तब आरपीएससी एग्जाम देती थी तो उन्होंने आदेश कर दिया, और वहां के जो आईजी थे जोधपुर रेंज के जो आईजी थे डीसी जैन, उनको आदेश किया कि देखो ये राजस्थली में एमके सिंह कौन है, जानकारी करो क्या मामला है और कैसे पास हुए, क्या है इसकी इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट पेश करो। मैं बड़ा खुश घूम रहा था, बहुत खुश था, शाम की क्लास चल रही थी, आलोक जी नाम के एक एडिशनल एसपी थे वो और उनके साथ 8-7 और लोग इंस्टीट्यूट के ऑफिस में बैठे, मैं क्लास पढ़ा रहा हूं, मैं सब कैमरे के सामने बोल रहा हूं, मैं आपको मैं क्लास पढ़ा रहा। पुलिस के इतने सारे लोगों को देख के बंटी मेरे पास आया कि पुलिस के बहुत सारे लोग आए हैं और एक अधिकारी भी है। अरे मैंने कि वो थोड़ा बहुत फीस कम कराने के लिए कर दे यार जो भी है। फिर बंटी गया वहां, बंटी ने पूछा कि आपका कोई एडमिशन है क्या, आपको कुछ फीस वीस में कंसेशन लेना है क्या? बोले नहीं नहीं कंसेशन हमें नहीं लेना, हमें तो सिर्फ एम के सिंह से ही मिलना है, वो फिर मेरे पास है। बोले आपसे ही मिलना चाहते हैं? तो मैंने कहा पूछ क्लास छोड़ के आऊं या क्लास का वेट करेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं क्लास आराम से पढ़ाएं उसके बाद। तो क्लास फिर मैंने छोड़ी, खचाखच भर रहा इंस्टीट्यूट, मैंने छोड़ दी क्लास। क्लास के बाद मैंने स्टूडेंट्स को कहा मैंने कुछ पुलिस वाले आए हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, हो सकता है क्या बात है, मैं जानकारी नहीं है, तो आप लोग यहाँ रुकना मत, कोई भी सीधे चले जाना। मैं अपने केबिन में बैठा, वो एडिशनल एसपी मेरे केबिन में आए और मुझे उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी दी। मैंने उसे पढ़ा और देखा उसमें ये जो मैंने बताया ये सारा कुछ लिखा हुआ था कि भाई इनकी इन्वेस्टिगेशन करके जांच करके पता किया जाए कैसे कैसे और कैसे इन्होंने ये दावा किया है। तो बोले कल जोधपुर रेंज के आईजी डीसी जैन साहब एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में सुबह 10:30 बजे आपसे मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है, हमने सब बच्चों को मैसेज किया भाई कल क्लास नहीं होगी। तो मैं गया, पहुंच गया 11:30 बजे से उन्होंने पूछताछ शुरू की, कहाँ के रहने वाले हो, क्या करते हो, यहाँ किस किस का है। मैंने कहा मैं तो यूपी से हूं, अलीगढ़ से, यहां मेरा कोई विशेष परिचय नहीं है, यहां तो मैं कभी एग्जाम देने आया करता था।
सिविल सर्विसेज के एग्जाम का सेंटर मैंने यहाँ रखा हुआ था तो उसके लिए आता था। तो बोले आप कितने बच्चे, अब टोटल बात पे पहुंच जाता हूँ, तो सारी लिखी उन्होंने, दिल्ली कितने दिन रहे, कोटा कहाँ कितने दिन रहे, इलाहाबाद कितने दिन रहे, यहाँ कितने दिन, सब बातें पूछी उन्होंने। बोले फिर आपके इसमें से कैसे हो गया इतने? अरे मैंने कहा मैंने बैरेक में से ही नोट्स बनाए हुए, इससे बाहर कहां से आएंगे, इसी में से आने। और मैंने कहा मेरे को बहुत दुख है, मैं 60 के 60 पास कराना चाहता था, 37 ही हो पाए, इस बात का दुख मुझे है, लेकिन मुझे प्रसन्नता इस बात की कि मेरे 37 बच्चे पास हो गए, 37 स्टूडेंट पास हो गए। अच्छा उन्होंने क्या सोचा, भाई किस किस को जानते हो यहाँ आरपीएससी में, किसको जानते हो किसे? मैंने कहा मेरा किसी से परिचय नहीं है, मेरा एकेडमिक कैरियर भी यहाँ का नहीं है, मैं जानता ही नहीं, मैं यहाँ पढ़ाई नहीं कुछ, ना मैंने यहाँ कभी कोई कोचिंग ली है, ना कुछ किया है, मैं यहाँ पढ़ाई लिखाई की नहीं, मेरी सारी पढ़ाई लिखाई यूपी की है। ठीक, बोट के चले गए और एक डीवाईएसपी को वहां जो उनके साथ था उसको छोड़ के चले। तो उन्होंने सोचा कि थोड़ी कठोरता अपनाते हैं, उसने मेरे से तू तड़ाके से बात करी और मेरे से बोला मैंने सारा फोन तुम्हारा सर्विलांस पर ले रखा था और सब कुछ हमारे पास है। तो मैंने कहा बेवकूफ इंसान, इतना एविडेंस है तुम्हारे पास तो अरेस्ट करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दो, कहां जरूरत आ रही है इतनी पूछताछ कर रहे। और मैंने कहा तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, डिसीजन आएंगे तब बताऊंगा। झंझट हो गया, फिर पुलिस वालों ने, हम में दोनों में थोड़ा सा हॉट टॉक हो गई, पुलिस वालों ने जैन साहब को फोन किया, जैन साहब फिर आ गए, बोले क्या क्या बात होगी। मैंने कहा सर कुछ नहीं है, इस अभद्रता से मैं कोई जवाब देने वाला नहीं। बोले ठीक है आप बताओ। अरे मैंने कहा इसी में से मैंने नोट्स बनाए, ये मेरे नोट्स हैं, मैंने अपने आप बनाए हैं, इनमें से ही क्वेश्चन आए, चाहे कोई दुनिया का कोई भी आदमी इस बेयर एक्ट में से बनाएगा तो इसी में से तो क्वेश्चन आएंगे, पेपर कहां से आएगा। अब मुझे ये पता थी डिसीजन साहब के भी हिस्ट्री और लॉ सब्जेक्ट ही होते थे जब सिविल सर्विसेज दी थी उन्होंने, मेरे भी यही थे। और मैंने कहा आप लॉ पढ़ा हुआ है आपका, आप जानते हैं, तो बात तो सही है। तो मैंने कहा सही है चलो, बोले तो ठीक है। 2 दिन पूछा, दूसरे दिन और बुलाया, बोले थोड़ा सा आजकल और रखेंगे। मैंने कहा ठीक है कल भी आ जाओ। 2 दिन की पूछताछ रही सुबह से शाम तक की, और फिर उन्होंने रिपोर्ट मेरे ही फेवर में दी। उसके बाद वो सारे नोट्स जो जब्त कर लिए सब भेज दिए उन्होंने, मैंने उनसे कोई संपर्क नहीं किया, मेरा कोई परिचय नहीं था। उसके बाद मेरे एक स्टूडेंट थे जो डिस्ट्रिक्ट जज कैडर का जब रिजल्ट आया उसमें बहुत सारे लोग पास हुए, तो वहां उस समय पुलिस के एडिशनल डीजी और वो डिसीजन साहब भी थे, उनका कोई परिचय रहा होगा, उनमें एक जो पास हुए उनके रिलेटिव थे वो। तो स्टूडेंट्स ने बड़ी अच्छी आवभगत की जो पास हो गए थे, सारे लोग खड़े थे, तो जैन साहब आए मेरा हाथ पकड़ा, बोले आप हमारे साथ आओ। फिर तो बोले कि ये वो सिंह साहब हैं जिनकी मैंने इन्वेस्टिगेशन की थी। कि अच्छा वो 37 जो पास तो बोले हम आपस में बात करते हैं आपके। तो मैंने कहा सर मेरे साथ में क्या था, मेरी एक मजबूरी थी कि मेरे 4th अटेम्प्ट आईएएस का खत्म हो गया, मेरे पास मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, जुडिशरी का भी मैं उसी समय इंटरव्यू दे गया, मेरे इंटरव्यू में नहीं हुआ, मेरी बहनों की शादी नहीं हुई थी और मेरे लिए किसी भी कंडीशन में कोई ना कोई व्यवसाय सेट करना जरूरी था और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था, तो मैंने ये ऑप्शन शुरू किया। मैंने जितनी मेहनत से अपने लिए पढ़ता था उससे कहीं ज्यादा ऊर्जा से मैंने दूसरों के लिए मेहनत की और वो पास हो गए। इसमें सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध मेरी ऊर्जा का कारण है, मैंने अपनी ऊर्जा से वो पास कराए। मैंने कहा इसमें किसी भगवान का और भाग्य का कोई ताल्लुक नहीं है मेरा, मेरी ऊर्जा थी तो मेरे उस भगवान ने मुझे सहयोग किया, और मेरी ऊर्जा ना होती तो मेरा भगवान भी मुझे सहयोग करने वाला नहीं था। बोले बात तो सही है। और मैंने कहा उसी का परिणाम अब ये डिस्ट्रिक्ट जज कैडर का रिजल्ट भी है, मुझे एस्टेब्लिश करना था, ये किसी भी कंडीशन में करना था। तब फिर उन्होंने हमारे साथ ही खाना खाया, आज उनसे अच्छी जान पहचान है, अभी
सीबीआई में एडिशनल डायरेक्टर हैं वो, वैसे मेरा कभी कोई परिचय नहीं था उनसे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस ऊर्जा लबालब ऊर्जा से भरे हुए हो ना, और आपके पास अच्छा कोच भी है, तो आपको आपके मंजिल तक ले जा सकता है, ये मेरा अनुभव रहा है। तो बहुत मेहनत करिए, रोजाना एक घंटा जरूर निकालिए अपनी एक्सरसाइज के लिए, डेली निकालिए। सुबह आपकी क्लास होती है तो शाम को निकालिए, शाम का बैच लेते हो तो सुबह निकालिए। और मैं आपको बताऊं, जो मैं नहीं करता मैं किसी दूसरे से करने के लिए नहीं कहता, मैं कभी ऐसा नहीं होता कि मैं नहीं करके, मैं सुबह करके आ चुका हूं, आधा लीटर पसीना निकाल के आ चुका हूं। रोज मैं दूसरी एक्सरसाइज करता हूं, उसका डायनामिक मेडिटेशन है उसे करता हूं मैं, 6 बजे से 7:15 बजे तक वो करता हूं, उसके बाद ही यहां आता हूं। 2 बार नहाना हो जाता है, सुबह नहा के जाता हूं उस मेडिटेशन को करने के लिए, और फिर दोबारा भी नहा के ही आता हूं, फिर शाम को नहा लेता हूं। आप भी ऐसा करिए, ठीक है ना? ये सब करोगे ना अच्छे से, ऊर्जा लबालब कर रहोगे। दूसरा, कुछ दिन हाई लेवल की विटामिन्स मिनरल्स भी ले लो, 100 दिन की तो बात है। एडिशनल विटामिन्स मिनरल्स प्रोटीन ये भी ले लो, ज्यादा से ज्यादा मतलब 50% कच्चा खाना खाओ, 50% पका हुआ खाओ। सुबह 12 बजे तक तो कम से कम कच्चा खाना ही खाओ। कच्चा खाने का मतलब फल हो, सब्जियां हो, अंकुरित दालें हो, अनाज हो, ये सब चीजें खा के। सुबह तो नहीं, 12 बजे तक तो कम से कम नहीं, मैं तो नहीं खाता। थकान महसूस नहीं होगी, जान भूल जाओगे थकान क्या होती है, और फिर पढ़ने में मजा आएगा। इसलिए तुम्हें याद नहीं होता है, मुझे दुख होता है जब आप खड़े होते हो कि आज हम याद नहीं करके आए, तो मुझे बहुत दुख होता है, सच बता रहा हूं। क्योंकि मेरी वो कल का टाइम मेरा वैसे ही निकल गया, क्या फायदा निकला? आपने याद नहीं किया, आज मैं और बहुत सारा पढ़ा दूंगा। फिर जैसे आपको रिजल्ट चाहिए, मुझे भी रिजल्ट चाहिए, प्राइस थली चलेगा कैसे बताओ? रिजल्ट नहीं आएगा तो ये कैसे चलेगा? नहीं चलेगा, ये तो नहीं कर सकता कि जैसे कोई एक नीट का, आईआईटी का इंस्टीट्यूट दूसरे का फोटो खरीद लाता है और बड़ा सा वो होर्डिंग लगा देता है, और होर्डिंग पर अरे भाई तैने कभी पढ़ाया नहीं, पढ़ा नहीं तू सिर्फ, और फीस जो तुम्हारी इच्छा हो वो दे दो, मतलब बलि का बकरा बना दो। जिन टीचर्स को तुम लेके आए हो, उन टीचर्स में इतने ही दम होती तो उनका अपना इंस्टीट्यूट खड़ा होता। राजस्थली एमके सिंह है, एमके सिंह राजस्थली है, मैंने अपने नाम से न करके दूसरे नाम से व्यवसाय कर रखा है, लेकिन उस जिसको आप वैसे ही ले आए हो, टीचर्स ले आए, वो उस लेवल के नहीं है जिस लेवल में आरजेएस को कुदाया जा सके या इस लेवल की एग्जाम पास कराई जा सके। एंट्रेंस एग्जाम में सैकड़ों की हजारों की संख्या में सीट्स होती हैं, यहां तो सीट्स ही बहुत कम होती है। 12th पास उनके लिए ठीक है, उस रूप में पेरेंट्स को भी जानकारी नहीं होती है, बच्चों को भी जानकारी नहीं होती है, वो सोचते हैं अच्छा इसमें जिसका नाम बहुत सुना था अखबारों में पढ़ा था, अरे उसमें कोई भी दम नहीं है, वो सिर्फ एक ठेकेदार है, ठेका लेता है और दूसरे लोगों को, यहां तो स्वयं टीचर हैं। तो ये मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि ये करना शुरू कर दो, रोज का रोज याद करो, कोई गिल्टी मत करो कि कल हमें कल का याद नहीं, भूल जाओ कल वाला, आज जो पढ़ाऊं किसी भी कंडीशन में याद करके ही सोना, आज जो पढ़ाऊं किसी भी कंडीशन में याद करके ही सोना, भूल जाओ कल का। अब ये मत करना कि नहीं कल का आज याद करते हैं, आज वाला कल देखेंगे, ऐसा मत करिएगा, आज का आज याद करिएगा, ठीक है? अब हम टॉपिक पे आते हैं।
359 से शुरू कर रहे हैं आज। तो आज मैं लिखा नहीं रहा हूं, कल भी मैंने लिखाया नहीं था। लिखाने न लिखाने के पीछे एक कारण है, क्योंकि मैं इसको तेजी से खत्म करना चाह रहा हूं, तो मैं बेरेक्ट से भी कर